सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। घाटी में ही रहेंगे कश्मीरी हिंदू। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को दिए सख्त कदम उठाने के निर्देश। धोखाधड़ी कर हिंदू निर्यात की कोशिश करने वालों को मिलेगा कड़ा दंड। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चेताया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद नायक प्रवीण सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा, देश उनके सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेगा। भारत में मंकी पॉक्स की दस्तक। 5 साल की बच्ची में मिले लक्षण। जांच के लिए भेजा गया सैंपल। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। कहा, स्थानीय स्तर पर प्रसार के संकेत रखनी होगी निगरानी। बसपा प्रमुख मायावती ने कानपुर में हुई हिंसा को बताया पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता। उत्तेजक भाषणों से बचने की अपील की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा को बताया दोषी, तो ब्रजेश पाठक बोले, अपराधियों को पालती नहीं पलायन कराती है योगी सरकार। लखनऊ के लिए अच्छी खबर, 45 प्रोजेक्ट में होगा निवेश, मिलेंगे रोजगार। पहली बार दिल्ली की राजनीति में पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी। अब मेरठ से हवाई उड़ान और ट्रैफिक जाम जैसे मुद्दों को मिलेगी नई आवाज। यूपी इन्वेस्टर समिट में पीएम नरेंद्र मोदी बोले, भारत अब आत्मनिर्भर, विदेश से नहीं आएंगे 300 उत्पाद। पाकिस्तान में तेल की बढ़ती कीमतों से लोग बेहाल। उड्डयन कर्मचारी ने गधा गाड़ी रखने की मांगी अनुमति। भारत ने यूएन में कहा, बाहरी ताकतें खराब कर रही सीरिया के हालात। अब तक का सबसे आधुनिक मानव रहित जहाज बना रहा चीन। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया सेना में सुधार। इजराइल ईरान विवाद के बीच ईरान के एक और कर्नल की हुई मौत। यूक्रेन रूस युद्ध के 100 दिन। डोनबास के सबसे बड़े शहर पर कब्जे के करीब रूसी सेना। न्यूजीलैंड की जबरदस्त वापसी। इंग्लैंड पर बनाई 227 रन की बढ़त। 17-95 रन 92 में इंग्लैंड के 27 विकेट हुए ढेर। सिर्फ रफ्तार से काम नहीं चलेगा। उमरान मलिक के सवाल पर पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी का जवाब। लॉर्ड्स में आग उगल रहे तेज गेंदबाज टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट दूसरे दिन लंच तक गिरे 23 विकेट। पाकिस्तान तेज गेंदबाजों पर बोले विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, अच्छा लगता है जब इंग्लैंड के खिलाड़ी हमारे बॉलर्स की तारीफ करते हैं। अक्षय कुमार पर भारी पड़े कमल हसन। फिल्म विक्रम ने पहले दिन की ताबड़तोड़ कमाई। अक्षय कुमार की फिल्म पर भारी पड़े कमल हसन। फिल्म विक्रम ने पहले दिन की ताबड़तोड़ कमाई। एक्टर शाहरुख खान ने किया डार्क मैन को कॉपी। टीजर देख फैंस हुए कंफ्यूज। आईफा के ग्रीन कॉर्पेट पर जलवा बिखेरने उतरे कलाकार यो योहानी सिंह। अनन्या पांडे और सारा अली खान ने बांधा समा।
सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बोले मीका सिंह, कहा पंजाब के कई गायकों को गैंगस्टर से मिल रही है धमकी। दर्शकों को पसंद आई आदिवी शेष की मेजर फिल्म, देख भावुक हुए शहीद संदीप के पेरेंट्स, आदिवी के गले लगी मां। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।